आज हम लोग जा रहे हैं, सोहेल भाई हैं जो कि लखनऊ के डालीगंज में हैं, उनके यहाँ चिकन बोटी कबाब खाने के लिए, तो मिलते हैं। सोहेल भैया नमस्कार। मानी चिकन हाउस में, और अपना लखनऊ तो वैसे भी जाना माना है खाने पीने के मामले में, और अगर आपको जायका चाहिए तो लखनऊ ज़रूर आइए। और नॉनवेज खास करके जो आपको लखनऊ में नॉनवेज का टेस्ट मिलेगा, जायका मिलेगा, वो हमारे ख्याल से कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारे गुड्डू भैया हैं और ये हमारे सोहेल भैया हैं। तो गुड्डू भैया, हमको आते आते आपके पास कितना समय हो रहा होगा? 20 साल हो रहे हैं लगभग। और आपको ये शॉप करते हुए कितना समय हो रहा है? लगभग 22-23 साल। मतलब जो आपने स्टार्ट किया है तो उसके मतलब 1-2 साल से ही आना हमने स्टार्ट किया है। बहुत अच्छी बात है, यानी कि हम लोगों का बिल्कुल शुरुआती साथ रहा है जो अभी तक की चल रहा है। मेन जो इनकी स्पेशलिटी है यहाँ की है वो बोटी चिकन कबाब कहेंगे या बोटी चिकन खाली कहेंगे उसको? बोटी चिकन कबाब कहेंगे, बोटी चिकन, क्योंकि कबाब में अमूमन लोग जानते हैं कि वही अपनी कबाब की टिक्कियाँ होती हैं, तो इसको बोटी चिकन कबाब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें मसाला जो है कबाब वाला पड़ा होता है, इसलिए बोटी चिकन कबाब कहा जाता है। अच्छा, जो मसाला आप यूज़ करेंगे वो कबाब का मसाला यूज़ होगा, तो अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे ये अपना चिकन बोटी कबाब बनाते हैं, इसकी रेसिपी क्या है, क्योंकि ज़्यादातर ये अपने जो तैयारियां हैं वो घर से करके चलते हैं, यहाँ पर आके बस लोगों को सर्विस देते हैं, सर्व करते हैं। तो गुड्डू भैया, आप पहले क्या करेंगे? पहले हम जो है तेल डालेंगे, थोड़ी प्याज डालेंगे। कौन सा आप यूज़ करते हैं? रिफाइंड है। चलिए डालिए, देखते हैं। फिर हम प्याज डालेंगे, तो इसको कब तक की आप इसमें ऐसे करेंगे? अब इसके बाद क्या करेंगे आप? अब इसमें जो मसाला बना हुआ जो है चिकन बोटी का, ये मैं डालूंगा। इस मसाले में क्या क्या होता है? इसमें कबाब के मसाले होते हैं। कबाब के मसाले होते हैं इस मसाले में। हम क्या यूज़ करते हैं आप? काली मिर्च है। काली मिर्च मसाला है। अच्छा, कबाब का मसाला है। और लौंग, इलायची, जौतरी और गरीब खसखस, मतलब जो हम लोग नॉनवेज में यूज़ करते हैं ग्रेवी, वही समझिए बनाना है इसको। और इसमें जो है, इसमें हमारे जो रोस्टेड के जो पीस होगा उसके मैं टुकड़े छोटे छोटे करके वो डालने हैं। मतलब रोस्टेड के टुकड़े छोटे छोटे करके डालने हैं। इसको मैं भून लूँगा। अच्छा, भून लूँगा तो उस पर तेल आ जाएगा ऊपर। हाँ, तब ये जाके जब ये तेल इसके ऊपर आ जाएगा तभी समझिए पक गया अपना मसाला, अपना कंप्लीट हो गया है, तब मैं कुछ आप सर्व कर दूँगा। ओके, ये रोस्टेड आपने चिकन लिया उसमें, इसके छोटे छोटे, हाँ छोटे, मतलब इसमें, हाँ इसमें जो हड्डी होगा मैं निकाल दूंगा, वो निकाल देंगे, हड्डी निकाल के। तो वैसे मुझे तो बोनलेस तो नहीं पसंद है ज़्यादा, लेकिन आप बोन समेत डाल भी सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। कबाब जो है वो बोनलेस ही का बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये आपने इसमें डाल के, अब इसमें और क्या क्या डालेंगे? अब इसमें हम जो है इसका बना हुआ एक ऑयल होता है वो डालेंगे। ये ऑयल कौन सा होता है? यही इसमें जो तरी आई थी मैं उसको निकाल लेता हूँ। जब आप ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें तेल उतर के आ जाता है, वही आप ये यूज़ करते हैं? सारा उसमें जायका सारा उसी में ही होता है, तेल में। ये वो ग्रेवी वाला ऑयल है।
अब इसके बाद क्या डालेंगे इसमें? इसके बाद दही और चटनी। जो चटनी आप यूज़ करते हैं वो घरेलू वही है अपनी, धनिया मिर्चा और अदरक डाल के। ये ज़्यादा तीखी होती है क्या? अच्छा, मिर्चा यूज़, मिर्चा अपने हिसाब से आप यूज़ करते हैं। दही भी यूज़ कर सकते हैं, मट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। तेल जब ऊपर आ जाए तो समझिए ये कंप्लीट हो गया अपना। ओके, अभी तवे पे है तो अपना लजीज लग रहा है इतना, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बस जल्दी से हमको सर्व कर दीजिए, मैं जल्दी जल्दी खाऊं। ये हमारा चिकन बोटी कबाब बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसका जायका यानी टेस्ट चेक करने जा रहा हूँ। चेक क्या करना है, मुझे 20 साल तो हो ही रहा आते हुए, ये आपको बताने के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसा लग रहा है खाने में। आज भी वही टेस्ट मिलता है जो मुझे 20 साल पहले मिलता था। टेस्ट में कोई कमी नहीं है, क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं है, सेम वही क्वालिटी है, वही टेस्ट है जो कि अमूमन मुझे कहीं नहीं मिलता है। मैं गुड्डू भाई और सोहेल भाई का धन्यवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी लजीज चीज़ मुझे इनके मार्फत खाने को मिलती है। और जब भी आप बोटी चिकन खाइए, या तो रुमाली रोटी के साथ खाइए, या तो जो पराठे आते हैं उनके साथ खाइए, तो आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के लिए मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया करता हूँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर।